दोस्तों रमजान के शुभ अवसर पर आज हम आपको गुजरात के एक ऐसी मिठाई की दुकान पे लेके आए हैं जहाँ पे आपको तरह तरह की कलरफुल बर्फी मिलेगी, ढाई फुट वाला हलवा मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, ढाई फुट वाला काला जाम मिलेगा और स्पेशली रमजान के दिनों में यहाँ पे दही वड़ा बनाया जाता है जो पूरे भारत देश में मशहूर है। यहाँ पे मिठाई में यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट, मिठाई में आपको करीबन 80 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाएगा। इनकी जो मिठाई है वो सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में मशहूर है। सो आइए चलते धोरा जी की आन बान और शान ढाची रऊफ भाई मिठाई वाले की दुकान पे। भाई जी अभी अभी क्या कर रहे हो? ये गुलाब जामुन गाय के मारे का, ओके, और इसमें टफके डालने का और लोट डालने का है, उसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा, तेल में फ्राई किया जाएगा, सही है, और चाशनी में डालने का, सही है, और फिर गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। सो फाइनली अभी यहाँ पे गुलाब जामुन बनने की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जामुन को फ्राई किया जा रहा है और इस तरफ जामुन को चाशनी के अंदर डाला हुआ है। वाह भाई वाह। भाई जी आप यहाँ पे रोजाना कितने किलो मिठाई बना देते हो? 30 से 40 किलोमीटर जामुन बनता है। सही है। और क्या क्या बनता है यहाँ पे? और मारी कतली बनती है, अफलातून बनता है, हलवा सब जात का बनता है। क्या बात है भाई। दूधी का हलवा, गाजर का हलवा, खजूर का हलवा, रसमलाई, अंगूर रबड़ी, सही सभी जात की मिष्ठान बन रही है। वैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी मिठाई चलती है? दूधी का हलवा। दूधी का हलवा चलता है? हाँ, वो गुलाब जामुन दोनों चलता है, दोनों ज्यादा। क्या बात है भाई। और खास रमजान में जलेबी और दही वड़ा दोनों चलता है। हाँ सही है। भैया जी अभी आप ये क्या बना रहे हो? दही वड़े। दही वड़ा बना रहे हो? क्या बात है। तो ये कैसे बनता है? मैदे का। सही है। इसमें कलर डालने का, जलेबी का घास डालने का, कुछ बांध के गोला काटने का। सही है, सही है। तो भाई जी क्या नाम है आपका? यूसुफ। ओके यूसुफ भाई, तो यूसुफ भाई आपके पास मिठाई में कितने ऑप्शन है? 80 से ज्यादा। 80 से भी ज्यादा ऑप्शन है? क्या बात कर रहे हो भाई। जैसे कि जरा दिखाइए हमें। लाइव गरम जलेबी है, दही वड़ा है, ये सिर्फ धोरा जी में मिलते हैं, फिर कहीं नहीं मिलते धोरा जी में। ये गुलाब जामुन है, ये काला जाम है, ड्राई फ्रूट वाले आते हैं, ये रसगुल्ला है। वाह भाई वाह। इसकी प्राइस क्या रहती है? ये 80 का 250 का किलो। ओके। और दूसरा 160 का किलो है। जी 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 जी। और क्या है अपने पास? दूधी का हलवा है। वाह भाई वाह, दूधी का हलवा और वो भी ड्राई फ्रूट से भरपूर है। इसकी प्राइस क्या रहती है? 160 रही है, रमजान महीना है इसलिए रीजनेबल भाव है। जी 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 जी। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है, मुझे तो देखते देखते मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। और कौन सा हलवा है? गाजर का हलवा है। वाह भाई वाह। ये कौन सा हलवा है? चीकू का हलवा। ये चीकू का हलवा है। ये रस मलाई है। वाह भाई वाह, रस मलाई है। इसकी प्राइस क्या रहती है? ये 240 इसका। 240। और उसमें भी ड्राई फ्रूट एकदम भर भर के डाले है। ये गुलकंद का हलवा है। मतलब कि हलवा में आप यहाँ पे जो बोलो वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या भैया जी? ये वर्की खाजा बोलते हैं इसको। ओके। ये स्वीट रहता है? जी स्वीट। सही है। ये मीठा घुघरा उपरा बोलते हैं। वाह भाई वाह। इसकी प्राइस क्या रहती है? ये 200 का किलो। 200 का किलो है। सही है। की स्पेशलिटी है, कितना बड़ा है, 80 रुपये पीस पड़ता है, भले खाजा बोलते हैं उसको। क्या बात है। मतलब कि यहाँ पे स्वीट के साथ साथ में फरसान में भी ढेर सारा ऑप्शन है। जी जी। ये क्या चीज़ है भैया जी? ये बॉम्बे हलवा है। ओके। पिछले 30 साल से बनता है। क्या बात कर रहे हो। उसमें ड्राई फ्रूट और सभी आइटम बनती है। पाइनएप्पल हो रहा है। पाइनएप्पल हलवा है। ये कौन सा है? ऑरेंज हलवा। ये है ऑरेंज हलवा। वाह भाई वाह। अंजीर हलवा है। ये है अंजीर हलवा। वेनीला हलवा। वेनीला हलवा भी है। क्या बात है भाई, एकदम मस्त दिख रहा है। गुलाब हलवा। ये है गुलाब हलवा। ये जमजम हलवा। सही है। इसकी प्राइस क्या रहती है? ये 160 का किलो। 160 का किलो रहता है। सही है। और भैया जी आपकी ये जो दुकान है वो कितने साल से है? 96 टू इशू। ओके सही है। मतलब कि कह सकते हैं कि कम से कम 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। ये चीज मुझे कुछ खास लगी है, इसका नाम है दही वड़ा, जिसमें दही रहता ही नहीं, फिर भी इसको दही वड़ा बोला जाता है। और ये जो चीज है वो मैदे से बनाई जाती है और चाशनी में डुबोई जाती है। पर ये चीज अगर आपको खानी है ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको धोरा जी में ही मिलेगी। अगर आपको भी हमारी तरह 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 की मिठाई खाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ का एड्रेस है 3 दरवाजा चकला चौक घाची रऊफ मिठाई वाला धोरा जी।